नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। मैं संध्या, मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी किचन संध्या किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो गाजर मार्केट में बहुत मिलता है। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, गाजर के हलवा बनाने के लिए हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इधर मैंने ली हूँ एक कटोरी शक्कर ली हूँ, और उसके साथ मैं ली हूँ एक कटोरी मावा ली हूँ, और उसके साथ मैंने ली हूँ 2 से 3 चम्मच किशमिश, और प्योर देसी घी मैंने ली हूँ इधर 4 चम्मच, और इसके साथ मैंने ली हूँ 7 इलायची, और मैंने इधर काजू ली हूँ 3 से 4 चम्मच। आप चाहे तो इधर बादाम, पिस्ता ये सब ले सकते हो। और फुल फैट दूध मैंने 0.5 लीटर ली हूँ अमूल गोल्ड का, और मैंने गाजर 0.5 किलो जिसको मैंने कद्दूकस करके भी रख दी हूँ। और पहले मैं अभी क्या की हूँ, दूध को उबालने के लिए गैस के ऊपर रखती हूँ, और देखिए दूध अभी उबल रहा है। और दूध में से 2-3 उबाल आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो कद्दूकस करके रखा हुआ गाजर को इसे उसके अंदर डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को हम हाई पर रख के ही उसको पकाएंगे अच्छे से, को बीच बीच में मिलाएंगे ताकि नीचे से ना लगे, इसीलिए हम बीच बीच में उसको हम ऐसे मिलाते रहेंगे। देखिए मैंने गैस की फ्लेम को हाई पे ही रख के उसको अच्छे से मैंने पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जब इस तरह से हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सूखा जब हो जाएगा, तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और उसके अंदर मावा ऐड करेंगे, और उसके साथ मीठा के हिसाब से शक्कर ऐड करेंगे। मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, इसीलिए मैंने शक्कर पूरा 1 कटोरी मैंने डाल दी हूँ। अगर आप चाहे तो मीठा के हिसाब से आप शक्कर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और अभी हम उसको अच्छे से मिला के गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के उसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए अभी शक्कर मेल्ट हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो रखे हुए काजू, किशमिश, और मैंने इधर कुटा हुआ इलायची ली हूँ, और उसके साथ जो मैंने घी रखी थी वो घी को मैं इसके अंदर अभी ऐड कर दूँगी। और घी डालने के बाद जो मतलब जो देसी घी का जो खुशबू रहता है, और उसके साथ जो इलायची का फ्लेवर जो रहता है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरह से खुशबू होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम उसको ऐसे अच्छे से मिलाते ही जाएंगे, और उसको जो चारों तरफ जो लगा हुआ था ये सबको मैंने अच्छे से निकाल निकालते उसको मिला रही हूँ, और उसको हम ऐसा पूरा सूखा करेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को पूरा हाई पर रख दी हूँ, और उसको अच्छे से सूखा होने तक पकाएंगे, क्योंकि गाजर के हलवे में थोड़ा सा पानी रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम उसको अच्छे से सूखा बना देंगे। देखिए मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर रखी हूँ, और मैंने इधर हाथ भी चला रही हूँ, क्योंकि हम बीच बीच में उसको नहीं मिलाएंगे तो गाजर का हलवा नीचे से लग जाएगा, इसीलिए। तो देखिए उसको हम ऐसे अच्छे से मिलाते रहेंगे, और अभी ये हमारा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको चारों तरफ ऐसा फैला के रखेंगे, और उसको हम ढकेंगे नहीं, क्योंकि ढकने से क्या होता है, पानी फेन हो जाएगा, इसीलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, और उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और गर्मा गर्म सर्व करेंगे गाजर का हलवा। तो देखिए अभी हमारा कितना बहुत अच्छा कलरफुल दिख रहा है ना। और देखिए मैंने 1 कटोरी में गाजर का हलवा को लेके उसको सेट करके एक प्लेट के ऊपर मैंने सजा के रख दी हूँ काजू से, और ये बहुत ही टेस्ट लगता है, आप उसको घर में ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से गाजर का हलवा बना रही हूँ, आप उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप मुझसे भी बेटर बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।